अंजू अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? चलिए ओके कम ऑन। अरे डैड घर में बॉम्ब लगा हुआ, कम ऑन दिस नो टाइम टू आर्ग्यू, कम ऑन डैड को नीचे ले जा। माँ माँ कहाँ माँ माँ चल माँ। अरे क्या हुआ? चलिए क्या हुआ? जल्दी माँ कम ऑन जल्दी प्लीज बता ना। घर में बॉम्ब लगा हुआ माँ। काका 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 चलिए चलिए जल्दी काका चलिए। माँ आप लोग कह रुके मैं अभी आया। माँ सुबह घर में कोई आया था? मैं तो बाजार से अभी आई। डैड मैं तो अभी क्लिनिक। हाँ सुबह प्लम्बर आया था, वो बाथरूम का किचन का पाइप ठीक कर रहा था। काजी का? वो तो ऊपर बाथरूम में नहा रही है। ओह माय गॉड कांची 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 क्या हुआ भैया? कांची दरवाजा खोलो। भैया मैं नहा रही हूँ। कम आउट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कांची अंदर बॉम्ब लगा हुआ, प्लीज जल्दी आओ बेटा। जल्दी नीचे चलो, डैड के पास ले जाओ और नीचे का बाथरूम चेक करो। ओके मम्मी किसी ने फ्लैश नहीं यूज किया। थैंक गॉड। सूरज सिंह अभी भी शास्त्री साहब को मारना चाहता है, उनके साथ मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं इसे। सूरज सिंह, आई न्यू हिम वेल। सर आप और क्या जानते हैं इसके बारे में? अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड वेरी केपेबल, बहुत काबिल, जीनियस कह सकते हैं उसे। मैं इसे कई बार मिला हूं, करीब 18-20 साल पहले। तब मैं डिफेंस डिपार्टमेंट में था। एक दिन मैं एक सोशल फंक्शन अटेंड करने गया था सीमा के करीब के एक कस्बे में, और वहां एक स्कूल टीचर ने स्टेज पर आधे घंटे के नाटक में करीब करीब 10 रूप बदले। सर वो टीचर सूरज सिंह ही था। सूरज सिंह अ मास्टर ऑफ डिस्गाइसेस, पर सिर्फ भेष बदलने में ही नहीं बल्कि कई भाषाएं बोलने में भी माहिर था। तो मैंने फौरन सोच लिया कि आदमी हमारे बहुत काम का साबित हो सकता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और देश की मदद कर सकता है। तो अपने डिपार्टमेंट से इजाजत लेकर सूरज को जासूसी के लिए तैयार कर लिया। फिर सर हमने उसे सीमा के पार दुश्मन देश में अपना एजेंट बनाकर भेज दिया, और कई साल तक वो बहुत अच्छा काम करता रहा। एक दिन पकड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ सर? फिर मैं उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में नहीं रहा, लेकिन बाद में पता चला कि ही इज बीन डिसओन्ड, सरकार उसे भूल गई। हर देश में यही पॉलिसी होती है ऑफिसर, नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू एक्नॉलेज इट्स स्पाइज। ऑफ कोर्स सर, लेकिन दुश्मन देश ने इसका फायदा उठाया और हमारे ही हथियार को ज्यादा धारदार करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। एंड नाउ ही इज एन एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट सर, एंड इट्स ऑल्सो डेंजरस टू योर लाइफ सर। ऑफिसर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर वो मुझे जिम्मेदार ठहराता है तो वो बेवकूफ है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस, ही इज डेंजरस। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मारेगा।
He will do it and you won't be able to stop him. मुझे बचाना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा. No sir, ऐसा नहीं होगा. Our country needs you, sir. Thank you very much for the cooperation. Thank you. Thanks, sir. Sir, you need not worry. I'll be in touch. Thank you. Sir? Yes? 2 अक्टूबर का आपकी जिंदगी में कोई खास महत्व है? 2 अक्टूबर हर हिंदुस्तानी के लिए महत्वपूर्ण दिन, हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन. ऑफ कोर्स सर, लेकिन उसी दिन आप पर हमला करके देश में सनसनी फैलाना चाहता है. ऑफिसर, 2 अक्टूबर मेरा भी जन्मदिन है. ओके सर, थैंक यू सर. इरादा नहीं बदल सकते? नहीं, मैंने पैसे लिए और इस काम की जिम्मेदारी थी. जितना मिलता है उसमें तो गुजारा हो ही जाता है. सिर्फ गुजारा होता है ना, आराम से जीने को कहां मिलता है. कल हमारा परिवार बड़ा होगा, जरूरतें बढ़ जाएंगी. उसके लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं आप, वो भी दुश्मनों के बीच. अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बहुत सारी दौलत कमा के वापस आ जाऊंगा और मेरे पीछे वो साथ में पैसा पहुंचाते रहेंगे. बिल्कुल चिंता मत करो, चलो विदा करो. अंजलि, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. या तो तुम झूठ बोल रही हो या फिर किस्मत बहुत बड़ा छल कर रही है. मैं जिसके सीने में गोलियां उतारना चाहता हूं, तुम कहती हो वो देव बल्होत्रा मेरा बेटा है? मेरा? सूरज सिंह का बेटा? हाँ, देव बल्होत्रा तुम्हारा ही बेटा है. वो मेरी आंखों के सामने रहा और मैं पहचानने के बजाय उसे मारने की कोशिश करता रहा, और अब वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है. कैसा खेल है ये अंजू, कैसा खेल है? तो देव सिंह क्यों नहीं बना? वो देव सिंह क्यों नहीं बना अंजू? क्योंकि उसके जीवन में बाप नाम का सूरज कभी नहीं होगा. तुम तो उसकी जिंदगी में साया भी नहीं बन सकी, परछाई भी नहीं थी तुम्हारी जो उसे दिलासा दे सके. अंजू, अतीत के थप्पड़ों का दर्द कब तक महसूस करते रहेंगे? अब तो सब कुछ मिल गया मुझे, तुम मिल गई, मेरा बेटा मिल गया मुझे. क्या हुआ अंजू, सच्चाई की तरफ पीठ क्यों कर ली? क्योंकि सच्चाई वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो. सच्चाई ये है कि मुझे वो सब कुछ भूल जाना पड़ा जो तुमसे जुड़ा हुआ था. क्या तुम मुझे भी भूल गई? आपको क्या याद रहा, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना परिवार? क्या करती मैं जब मुझे पता चला कि मेरी मां का सिंदूर मिट चुका है, मेरा सुहाग? झूठ था वो, गलत खबर थी. नसीब का शिकार हो गया था, जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में मिली मुझे. आज किस्मत मेरे कहने पर चलती है अंजू, मेरे कहने पर. वापस आ जाओ अंजू, वापस आ जाओ. ये अब मुमकिन नहीं है सूरज, क्योंकि तुम्हारी उस पत्नी की मांग में किसी और का सिंदूर भरा है. मेरे बेटे को एक बाप का नाम मिल गया है, उसी फरिश्ते की एक बेटी है जिसे मैंने जन्म दिया है. हमारा एक परिवार है, मेरा घर अशोक वाटिका जैसा है जहां घुसने वाला रावण भी अपमानित हुआ था. तुम मुझे धमकी दे रही? सच्चाई के साथ साथ विनती कर रही हूँ, मेरे स्वर्ग में आग मत लगाना. मेरा बेटा इस देश का सिपाही है और तुम देशद्रोही बन गई हो, जो
अपने देश का नहीं है, वो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। ये तुम कह रही हो अंजू?